हाय मैं हूँ पूजा भट्ट एंड एज ऑलवेज मैंने दिल खोल के बात की सिद्धार्थ कानन से एंड यू बेटर सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल नाउ नाउ हेलो मैं हूँ सिद्धार्थ कानन एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स द वेबसाइट स्पोर्ट्स एक्स नाइन डॉट कॉम प्ले द गेम एंड अर्न रियल मनी क्या क्या टर्मिनोलॉजी इनको दी गई है बॉस लेडी बॉलीवुड की ओरिजिनल वाइल्ड चाइल्ड पर एक चीज मैं जानता हूं कि ओ जी तो पूजा भाटी है <laughs> <laughs> आप आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग भूल गए है? जो मुझे मिला था ज्ञान गर्ल ज्ञान गर्ल आई वॉज द ज्ञान गर्ल ऑफ बिग बॉस ओ टी टी टू तो लोगों की बहुत फटी थी हाँ अच्छी हा, लोगों को लग रहा था कि यार ये बॉस लेडी है और यू you नो know, सब सब चीज कंट्रोल करती है ये सब सुना है ये सुना कि नहीं वो कंट्रोल क्यों होते थे पॉइंट इज वेरी सिंपल कि मैं अगर डोमिनेटिंग सपोजिटली आप डोमिनेट होते क्यों हैं जैसे मैं किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि मैं किसी को इजाजत ही नहीं देती हूँ मुझे डोमिनेट करने के लिए hmm. तो वो सेम करते हैं इनफैक्ट इज इंटरेस्टिंग अगर आपने शो देखा है पता नहीं कितना देखा है आपने ये नोटिस किया होगा कि सारे उन लोगों ने मुझे डोमिनेट करने की बहुत कोशिश की खासतौर को बेबिका को लेके uh. सब ने मुझे एक पॉइंट पे आके कहा कि बेबिका से आप रिश्ता क्यों रख रहे हैं आप गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने बोला यही तो डोमिनेटिंग होता है कि यू ट्राई टू गवर्न हु आई गेट लॉन्ग विथ एंड हु आई हैव रिलेशनशिप मैंने कभी आपको आपको कहा है कि इससे बात मत करो या उससे बात मत करो तो दे सेड नहीं नहीं कहा है तो मैंने जैसे अभिषेक को कहा है तो जब भी आपकी जब जग, आपकी झगड़े होते हैं बेबिका के साथ में एवर इंटरफियड सर आपका अलग रिश्ता है उसके साथ में मेरा अलग रिश्ता है आपके साथ में तो ये सर वो तो सही बात है तो आई एम लाइक हु डोमिनेटिंग देन। एंड बिसाइड लाइकनेटिंग सिंपल अगर कोई डोमिनेटिंग है तो आप डोमिनेट हो मत वही तो गेम है राइट्री बॉक्सिंग मैच होता है राइट पंच एंड मैंने एक चीज सीखा है हार्डेस्ट पंच तो माई

Uh, कहीं ना कहीं मैनिक्योर करके एक यू के नॉट यू के नॉट कंट्रोल मी इन दैट सेंस मैं जो मेरा दिल कहता है मैं उसी को फॉलो करती हूँ मेरी ओपिनियंस मैं दूंगी अबाउट थिंग्स जो बहुत ही अनकम्फर्टेबल होते हैं एज यू नो हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब भी चीज़ काफ़ी पोलराइज हो चुके हैं hmm. और एंटरटेनर्स uh, को कहा जाता है कि आप अपना काम कीजिए आप प्लीज़ जैसे कि नेशनल इशूज़ के बारे में या डोंट टॉक अबाउट थिंग्स आर अनेसरली विल गेट पीपल्स हैकल्स अप बट आई हैव नेवर शाइड अवे फ्राम दैट चाहे वो कुछ भी हो मैंने अगर मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में मुझे बोलना है आई हैव टू रेज माई वॉइस स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज्ड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ है नहीं मैंने बिल्कुल हिचकिचाया नहीं क्योंकि मेरे एक तो पोलिटिकल एस्परेशन है नहीं मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुई हूँ और वो मेरा एक प्रिवलेज है एम बोर्न इन टू दिस इंडस्ट्री बट दिस इज अजनेस एट आईव टॉट माई सेल्फ मैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर पैदा नहीं हुई थी एक एक्टर पैदा नहीं हुई थी मेरे पिताजी ने मुझे कहा था फर्स्ट फिल्म में कि अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है मैं आपको लात मार के फेंक दूंगा बाहर क्योंकि मैं दुनिया को ये प्रिवलेज नहीं दूंगा ये कहने के लिए आपको कि यू कॉन्ट एक्ट तो आई पास द टेस्ट विद डैडी आई हैव टू प्रूव माई कोडेंशियल इवन मोर एंड आई एम यर बिकॉज आईव लव द बिजनेस एंड आईव टॉट माई सेल्फ द बिजनेस और मेरे लिए बिग बॉस का जो एक्सपीरियंस रहा था इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ क्योंकि वो एक लास्ट जो होता है ना फिल्टर कि देखिए हम मीडिया को कैमराज को एक हद तक हमारे पर्सनल स्पेस में आने देते हैं इवन जब भी हम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं हमारे खुद के ब्लॉगिंग करते हैं जो भी होगा वी शो देम वॉट वी वॉन्ट टू शो देम क्यूरेट करके बट बिग बॉस के घर में आप छुप नहीं सकते हैं आपके 200 सौ कैमराज प्लस हैं

चुप के इंटरव्यू के जी. लिए आई वॉज ट्वेंटीक्चुअली एंड फिजिकली टू तो मैंने उनको कहा था कि मैं जब आप चालीस साल के मैं आपको मिलना चाहती हूँ बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ ही

आई वुड लाइक टू सी वेयर ही इज एट एट फोर्टी बिकॉज आई थिंक ही इज़ वेरी ब्राइट वो बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत ही विटी और बहुत ही सेंसिटिव इंसान है बहुत ही सेंसिटिव है और मेरा कनेक्शन उनके साथ में पहले इंस्टेंट से हुआ था जब वो घर में आए मैं तो बहुत खुश थी मैंने बोला नया एनर्जी आ चुका है में। uh, घर में बहुत हई मैन आशिका बाकी लोग जो थे काफ़ी इंसिक्योर हो गए घर में बिकॉज सब कम्फर्ट जोन में चले गए उस टाइम तक एंड देन सडनली दो नए लोग आ गए तो दे वो लाइक ओ माई गॉड ये क्या है तो पूरी इक्वेशन तो बदल जाएंगे एंड दैट्स एक्जैक्टली वॉट हैपेंड तो uh, मैं बहुत खुश थी जब वो जीते इनफैक्ट मैंने ये बार बार कहा भी था पहले कि अगर मैं चाहूँगी कि मैं ट्रॉफी किसी के हाथ में देखूँ तो मैं एलविज के हाथ में देखूँगी बिकॉज आई थिंक ये सारी मिथ्स जो है ना कि वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं जीत सकता है आपकी जर्नी जो है मेरी जैसी नहीं है क्योंकि आपने आप चार हफ्ते लेट आए हैं तो जैसे मैं कहती हूँ रिश्तों को लेके इट्स नॉट कि मेरा रिश्ता आपके साथ दस साल का था तो ज्यादा गहरा होगा किसी के साथ मैंने एक साल में और पल जिए होंगे तो आई थिंक इट्स इट्स रियली अबाउट अबाउट नॉट लेंथ ऑफ अ जर्नी और लेंथ ऑफ रिलेशनशिप इट्स अबाउट कि आप वो चार हफ्ते में या छः हफ्ते में आप करते क्या हैं आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एंड वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राइट सेंसिटिव एनर्जी उसकी थी एंड आई कनेक्टेड इमीजिएटली विद इट पर एक चीज बोलना अल्कोहलिज्म हो जी आपकी डिवोर्स के बारे में हो Not having kids के बारे में आपने ओपनली बोला घर के अंदर बट कहीं आपको लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ से आ रही हैं ये जिनको समझना नहीं है वो नहीं समझेंगे मैंने घंटा जिनको समझना है वो समझेंगे एंड hmm. ये तो इस्टेब्लिश है कि यू के नॉट प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम चाहे एक फिल्म को लेके किसी को फिल्म अच्छी लगेगी किसी को नहीं लगेगी बहुत वाहियात लगेगी और जो आप होते हैं आपको इस शो पे इस मंच पे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी है और अगर आप इस शो पे आके फिर कुछ और बन जाए इफ आई स्टार्ट प्लेइंग अ पार्ट एंड नॉट बी ओरिजिनल पूजा भट्ट तो फिर ये तो ज़्यादती होगी ना तो मैं जो भी जैसे आई थी मैं वैसे निकली इनफैक्ट मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था कि लोग जो आए थे जैसे भारती आई थी या कृष्णा आया था बीच में एंड यू नो जो आके हमको बहुत सब राहत देते थे बिकॉज वीज टू फील किया अरे यार कोई नया तो आ गया उन्होंने एक ही चीज़ बार बार मुझे कहा कि जैसे आप ही आप वैसी ही हैं आपने शुरुआत में कहा था कि मैं जा रही हूँ विथ नो प्री कन्सीव नोशन्स मैं एक अंधेरे कमरे में बिना टॉर्च लाइट के जा रही हूँ पता नहीं क्या मिलेगा वहाँ पे पता नहीं क्या होगा वहाँ पे गलतियाँ तो मैं करूँगी मगर वो है वो गलतियाँ से सीखूँगी एंड आई थिंक ये मैंने सीख लिया है कि इस उम्र में भी जब भी मैं कुछ गलत करती थी मुझे इमीजिएटली एक एहसास मिलता था कि नहीं आई सेट द रोंग थिंग और आई डन द रॉन्ग थिंग एंड आई वुड करेक्टेड इमीजिएटली विथ ऑल ऑफ माई हार्ट तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है सिद्धार्थ के ऑल आई ब्रॉट टू द्लेटफॉर्म एंड द शो वॉज माई सेल्फ अगर बींग माई सेल्फ कई लोगों के लिए काफ़ी नहीं है सो बी इट यू नो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ तो मैं लखनऊ में हुआ करता था जी बी वेरी ऑनेस्ट तो उस जमाने में मैगजीन आया करती थी था उस टाइम uh, पे एंड मैं सोच रहा था कि यार ये लड़की जो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी अंदर से जो उस वक्त किसी ने सोचा नहीं आपने किया क्योंकि आई थिंक मैं मुझे याद है कि मैं फिर तेरी कहानी याद आई के लिए शूट कर रही थी जी। तेरे दर पर सनम वो गाना हम लोग जूहू में शूट कर रहे थे और शाम को पैकअप हुआ और फिर मैं जगदीश मालिक के स्टूडियो पे गई आई मीन गॉड ब्लेस हिम ही ही इज नॉट विद अस एनीमोर वाज अ वंडरफुल पर्सन वो शायद यारी रोड में उनका स्टूडियो था जी वहां पे था आराम नगर में उनका के पिताजी हैं वो बिल्कुल और वहां पे हम गए थे रात को शूटिंग के बाद और आना सिंह जिसने बॉडी पेंटिंग एक्चुअली की थी माय मेकअप हेयर और जगदीश और दिनेश रहे जो ऑफकोर्स एंड जीतू फ्रॉम मूवी मैगज़ीन वो थे और uh, मैंने ओरिजिनल फोटो डेमी मोर का देखा था और मुझे बहुत ही एस्थेटिक लगा था तो बात नियत की होती है मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करने जा रही हूँ मुझे लगा कि ये एस्थेटिक है एंड वाई नॉट डू इट तो मैंने ऐसे ही कर लिया कुछ प्री प्लान नहीं था कि चलो अभी इससे ये वायरल हो जाएगा ये सब शब्द थे ही नहीं ना हमारे ज़माने में hmm. वायरल और इतने हिट्स और इतने व्यूज़ हम ऑर्गेनिकली चीज़ करते थे क्योंकि हमको सही लगता था कभी कभी वो चल जाता था कभी कभी वो नहीं चलता था कभी कभी बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता था फिर थोड़ा हेड लो करना पड़ता था या समटाइम्स पीपल वुड लव इट मगर वो ऑर्गेनिक नेचर जो है आई थिंक कहीं ना कहीं वाटर डाउन हो गया है आज के दौर में मुझे लगता है कि आज के नौजवान जो हैं सब ने कोई जो हैं तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं uh, When यू स्टार्ट प्लेइंग टू द गैलरी कॉन्स्टेंटली ना कि यार मैं फ़ोटो डालूँगी ये तो इतने व्यूज़ आएंगे शायद तो मैं ये डालूँ और वो नहीं डालूँ फिर कहीं ना कहीं वो बात जो है बनती नहीं है एंड देन you just साउंड लाइक द अदर पर्सन पर ये मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त चीज़ें ऐसी हम लोग ने सुनी नहीं थी हमारी सोसाइटी में नहीं सुनी थी तो आपने कोई रेप्रिकॉशन के बारे में नहीं सोचा था कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ नहीं सोचा आपने जब आप नथिंग नहीं मेरा बहुत सिंपल फंडा था लाइफ में कि अगर मेरे माँ बाप जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और अगर मेरे माँ बाप मुझे एक सील ऑफ अप्रूवल देते हैं जैसे मैं उन्नीस साल की थी मैं दिले के मानता नहीं कर रही थी आई हैड अ बॉयफ्रेंड मेरे माँ बाप जानते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड ये है कोई कुछ छुप के कुछ मतलब छुपा के हम लोग ज़िंदगी नहीं जीते थे तो फिर मैं मीडिया वाले को क्यों नहीं बोलूँ आई हैव अ बॉयफ्रेंड उस टाइम पे बोला जाता था कि हीरोइंस बोलते नहीं हैं ये mm. आपको दस रिश्ते रखने हैं आप रखिए है, मगर बोलो मत इस चीज़ के बारे में तो मैंने बोला क्यों नहीं बोलूं मैं उन्नीस साल की हूँ मेरे जैसे ढेर सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो शायद एक्टर्स नहीं होंगे चाहे कॉलेज गर्ल्स होंगे या काम कर रहे होंगे उनकी ज़िंदगी में भी कोई होगा कोई रिश्ता तो लेट्स नॉर्मलाइज इट ना Let's normalize love. Let's normalize relationships. What is the big deal? क्यों ये वेस्टल वर्जन की तरह आपको पोर्ट्रे करना है अपने आप को जब तक आप सौ साल के हैं बी रियल और शायद कोई सेक्शंस मीडिया के उस चीज़ को लेके प्रटेंड करते थे कि वो बहुत शॉक्ड थे पर जनरली मीडिया मेरे साथ बहुत ही फेयर रह चुकी है सिद्धार्थ दे हैव अंडरस्टूड एंड देव ऑलवेज टोल्ड मी कि यार आप एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो कि एटलीस्ट आप नो कमेंट्स और वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स उस लाइंस के पीछे छुपे कोई कह तो रही है कि ये मैं ऐसे हूँ टेकेट इट एंड जब मैं बाहर की दुनिया में जाती थी एंड आई वुड मीट वुमेन अक्रॉस द कंट्री आई वुड मीट यंगस्टर्स फ्राम अक्रॉस द कंट्री वो मुझे बोलते थे थैंक गॉड यार कि हमें फाइनली कोई तो मिला है बॉलीवुड में जो हमारी भाषा बोलता है कि जैसे हम जिंदगी जीते हैं आप बोल रहे हैं कि आप भी ऐसी चीज करते हैं If you इफ़ यू वॉन्ट गो आउड एन पार्टी यू गो आउड एन पार्टी इफ़ यू वॉन्ट है ड्रिंक यूर डूंग इट ओपनली वेन यू स्टॉप ड्रिंकिंग यू आर doing that openly. तो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर आई थिंक आपके रियलनेस से ज़्यादा होती है और जैसे मैंने कहा जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे और मैंने एक और चीज़ कहा था जब मैं अंदर गई थी सलमान को मैंने बोला कि इवेंचुअली हम जो छुपाते हैं हम वो होते हैं जो हम दिखाते हैं दुनिया को ना ये मास्क पहन के नो ऑफ वास्क दैट्स नॉट हु वी आर तो वेरी फ्यू पीपल हैव द कैपेसिटी टू बी दम सेल्स कम्पलीटली तो विथ मी वॉट यू सी इज वॉट यू गेट इफ विद गुड नफ यू मैं बहुत खुश हूं अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल और पैलेटेबल नहीं है प्लीज मूव ऑन टू तो द नेक्स्ट पर्सन आप सुकून की नींद सोती होंगी बिल्कुल सुकून की नींद सोती होती हैं ना ब्यूटी स्लीप जो कहते हैं ना वो आठ घंटा दस घंटा वैसे होता है मैं जब ये अपना सर तकिए पे डालती हूँ

अल्टीमेटली आप सोचते मेरा नाम सुखी है क्या है नहीं नहीं एब्सोल्युटली करेक्ट कहा आपने और मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे देखिए अभी गाने hmm. गाने म्यूजिक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो या पॉप सॉन्ग्स हो या हमारे मतलब रिलीजियस गाने हो या मतलब जैसे भजन हो या जो भी होगा वी लव आ म्यूजिक राइट hmm. अभी ये तो फैक्ट है ना से कि जो गाने ज़्यादा बिकते हैं आर द सैड सॉन्ग्स नॉट द हैप्पी सॉन्ग्स मैंने बहुत सारे फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं और एक चीज़ तो कहा गया भट्स के बारे में कि आपकी फिल्म चले या नहीं चले आपके गाने, गाने बहुत है। चलते हैं तो हम जब भी अपने रॉयल्टी स्टेटमेंट्स देखते हैं ना तो वी नो कि जो गाने में थोड़ा सा दर्द होता है ना ग्रीफ पार्टिंग लॉस वो गाने ज़्यादा चलते हैं और जो या या वो टाइप के सोडा वाटर के गाने जो है अभी आज के लिए वायरल हो गए करेक्ट तीन महीने के बाद आप याद नहीं करते हैं तो द पॉइंट इज के दैट इज द थिंग अबाउट लाइफ एज वेल कि आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं आपकी दोस्ती ज़्यादा गहरी होती है जब भी आप बैठ के अपने लॉसेस के बारे में अपने फेलियर्स के बारे में अपने डर के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करें आपके अनुसार वो कौन से सबसे बड़े लॉसेस आपके रहे? बट वो आपके लिए इस वक्त एक मेडल है वो कौन से आई थिंक फिल्म, फिल्म फ्लॉपिंग Uh, जबी लोगों ने कहा कि जब देखो मैं सत्रह साल की थी जब भी मैंने अपनी पहली फिल्म की डैडी उसके बाद में डैडी है के माता ने सड़क के बहुत <laughs> <boy. laughs> 19 आई वाज अ सुपरस्टार बाय 24 इंडस्ट्री ने कहा कि ये तो खत्म हो चुकी है तो मैंने बोला यार ये एक ही इंडस्ट्री है दुनिया में जब अभी ट्वेंटी फोर की उम्र में जब भी लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं आपने ऑलरेडी स्टार्डम की हाइट्स को छू के आपको ऑलरेडी दे ब्रॉट यू डाउन टू दिट सेंग यो फिनिश्ड और फिर ट्वेंटी फोर की उम्र में मैंने फिर प्रोडक्शन शुरू की मैंने तमन्ना बनाई मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड मिला मुझे एक सेंस ऑफ यू नो कि ग्रेटिफिकेशन मिला कि आई गॉट माई काइंड ऑफ सेल्फ स्टीम बैक बिकॉज आई मेड अ फिल्म लाइक दैट मैं हिंदुस्तान में ट्रैवल करके आई मेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ फिल्म रेज मनी फॉर चैरिटी आई गॉट माई नेशनल अवार्ड फिर मैंने दुश्मन बनाई काजोल के साथ में रेस्ट इज हिस्ट्री लुक इट मेलियर आज, आज कल से जो ट्वेंटी लड़कियाँ रियलिटी शो में आती हैं लोग बोलते आप खत्म थे 24. जी और फिर मैंने प्रोडक्शन शुरू की और फिर मैं प्रोडक्शन और डायरेक्शन कर रही थी और फिर 21 इयर्स के लिए मैंने कैमरा फेस नहीं की मैं कैमरा के पीछे थी मैंने बोला कि अभी वो स्टारडम हम खत्म हो चुका है नाउ यू आर इन अ न्यू फेज़ ऑफ़ योर लाइफ यू आर मेकिंग फिल्म्स मैंने जिस इन टू बनाई लास्ट सनी लियोनी को लॉन्च की एंड शी वॉज देर एट द ओपनिंग ऑफ बिग बॉस इनफैक्ट इट वज अ वंडरफुल फीलिंग टू सी समबडी सिटिंग दर जिसका अभी एक दस साल का करियर इस इंडस्ट्री में रह चुका है एंड प्लीज लुक एट इट जो वो लड़की ने अचीव किया है इट्स नो ईजी फीट आई थिंक दुनिया के हिस्ट्री में देर इज नेवर फिल्म एंटरटेनर जो मेन स्ट्रीम में, में आके उसने अपना जगह बना के एक नाम कमाया है एंड सानी कंजर्वेटिव मार्केट इट प्रूव्स कि हिंदुस्तान के ऑडियंसेज बहुत फेयर है और बहुत ओपन है बिकॉज दे एव सेटेड हर करियर इन अमेरिका विद वॉट शी डिड अर विद वॉट शी डज नाउ तो वो तो प्रूव हो चुका है तो माई पॉइंट इज कि मुझे लगा कि वो खत्म हो चुका है और फिर अलंकृता श्रीवास्तव और बोर्डिला ने मुझे बॉम्बे बेगम्स की स्क्रिप्ट भेजी एंड मॉल अगेन एंड आई सेड मगर आई शट दिस ये दरवाज़ा बंद हो चुका है आई एम नॉट एन एक्टर एनी मोद पढ़ तो लो तो मैंने रोल पढ़ा से दिस इज़ अमेजिंग आई हैव टू प्ले दिस पार्ट एंड आफ्टर ट्वेंटी वन ईयर्स आई मेड अ कम बैक तो जैसे कहते हैं कि हमारे फोर सीजन ऑफ फेम होते हैं पहले लोग कहते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है देन देस ए शी इज अराइव्ड फिर कहते कि खत्म हो चुकी है फिर कहते कि शी इज़ बैक तो आई एव एंजॉयड माय फोर ऑफ़ फेम। इन 2021 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे पे जब बॉम्बे बेगम्स हिट द ओ टी टी प्लेटफॉर्म सडनी आई वाइक ऑफ माई गॉड ऐसा मतलब रिएक्शन मुझे शायद लास्ट दस फिल्मों के लिए मिल, मिला नहीं है एंड देन बिग बॉस हैपन्स टोटली डिफरेंट फील्ड एंड लोगों ने मुझे कहा कि आप नहीं जा सकती हो बिग बॉस पे सो आई एम लाइक तो बोला क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छा था मगर अभी ऐसा हो गया कि लोग आते हैं एक दूसरे को जलील करने के लिए आते हैं चीखने चिल्लाने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि आई बॉल्स वैसे ही मिलेंगे विल यू बी एबल टू गो एंड होल्ड ऑन टू योर सेल्फ तो मेरे लिए वो टेस्ट था तो जब मैं आई आई सेट आई एम गोट प्ले दिस गेम विद डिग्निटी मैं गई विद एन ओपन हार्ट आई लेफ्ट विद एन ओवर फ्लोइंग हार्ट मैंने घर में जेन्यून रिश्ते बनाए मैंने एक सेंस ऑफ डिग्निटी के साथ गेम खेली मैंने अपने असूल अपने वैल्यू सिस्टम्स को बिल्कुल बेंड नहीं किया एंड आई थिंक आई केम आउट विथ माई हेड हेल्ड हाई एंड जब सलमान इतने जनरसली मुझे कहता है कि दिस सीज़न विल बी नोन एज द सीज़न ये पूजा भट्ट का सीज़न माना जाएगा मतलब मेरे लिए तो वो ट्रॉफी इन टू टेन है ना एंड आई थिंक दैट टू बी एबल टू कम आउट विथ योर सोल इंटैक्ट कि मैंने अपनी रोशनी जो है सरेंडर नहीं की मैंने कहा कि नहीं क्योंकि गेम जो है बहुत फेयर है गेम आपके सामने सिचुएशन डालता है चाहे वो किसी के सर पर कीचड़ डालना हो या कुछ भी हो चॉइस देता है आपको फिर आपके ऊपर है कि हाउ डू यू प्ले द गेम एंड जैसे कहते हैं एथलेटिक्स में भी इवेंचुअली स्पोर्ट्स रिवील यू बिग बॉस रिवील्स यू जो आप होते हैं वो दिखेगा इनफैक्ट मनीषा रानी राइट आपने ओपनली कहा दंके की चोट कहा कि ये एक्ट्रेस मटेरियल नहीं है नहीं नहीं मैंने कहा उसके बारे में देखो आए एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनीषा रानी और बेबी का ये दो लड़की मुझे बिगिनिंग से बहुत पसंद आई आई हैड अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर देम और मैं खुलेआम उनको वो अफेक्शन दिखाती थी और देती थी और ये दोनों जो है डिनाई नहीं कर पाएंगे ये इट्स डिफरेंट फॉर मी बेबी का मेरे लिए फैमिली है फॉर मी बेबी का और मेरा रिश्ता जिंदगी भर रहेगा क्यों हैं कैसे हैं वो चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं देना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि दिल क्यों किसी के साथ लग जाता है नहीं लगता है वो दिल ही जानता है एंड मुझे उसके अंदर एक इनोसेंस ओरिजिनलिटी वो एक अंडरडॉग थी उसके पास ना फॉलोअर्स थे वो एक टिपिकल साइज जीरो टिपिकल लुकिंग लड़की है नहीं वो अक्वायर टेस्ट है और मुझे और साइरस को बेबी का इतनी पसंद थी फ्रॉम डे वन वो शी वुड गेट अप शी वुड बी डांसिंग उसकी एक एनर्जी लेवल थी जो बाकी लोगों में थे नहीं बाकी लोग अपने आप को फिर टास्क में या अपने आप को मतलब एक यू you नो know, बोलते थे कि चलो नाउ वी गॉड डू ड्रेसा पहननी गॉड डू गोट डू समथिंग बेबी काम है वो नेचुरल बात थी वो अपना ग्लिटर और ग्लैम मतलब पता नहीं कितने डायमंड्स पहन के वो जाती थी किचन में खाना बनाती थी गाना गाती थी वो बोटी बोटी गाना उसने बना दिया शी वॉज एन औरिजनल शी इज एन औरिजिनल एंड आई लाइक पीपल लाइक दैट यू नो तो जैसे कहते हैं कि आपको नए लोग नए लोग ने नए नज़रिया चाहिए uh, उसको एवरी वन ट्राई टू बुल सब ने मुझे भी बोलने की कोशिश की कि आप गलत इंसान को को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे गलत तो सही आप मुझे नहीं बताएँगे ये मेरा रिश्ता उसके साथ है मैं ज़िंदगी भर उसको सपोर्ट करूँगी आई माइट नॉट अग्री विद समथिंग दैट शी डज और मैं उसको बोलती थी कि ये आपने गलत किया है ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी ये रिएक्ट मत करो क्योंकि आपका रिएक्शन इनका फ्यूल है अगर आप रिएक्शन जो है कट ऑफ़ कर देंगे दे फ्यूल विल बी कट ऑफ उसको थोड़ा तो 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 टाइम लगा ये समझने में बट आई थिंक दैट इवेंचुअली फर मी मनीषा और जब ये उसका झगड़ा हुआ मैंने अपना रिश्ता मनीषा के साथ अलग रखा बेबिका के साथ अलग रखा मनीषा बहुत ही ओरिजिनल थी बहुत ही यूनिक थी बट आई फेल कि समवे अलॉन्ग द लाइन लास्ट फ्यू वीक्स में शी स्टार्टेड प्लेइंग सम गेम विथ अ हैड और वो दिखता था सिर्फ मैंने नहीं बिग बॉस ने भी उसको कहा सलमान ने भी उसको कहा कि मनीषा रानी जो मनीषा रानी आई थी बी दैट डोंट स्टार्ट यू थिंग दैड दैट हैव

Uh, कोई बोले कि नहीं पूछा बट आप रॉन्ग है मैं हीरोइन ले रहा हूँ उसको mm. मैं तो बहुत खुश होंगी वो दस फिल्म साइन कर लें एनी ऑफ माय फिल्म जैसे मैंने सनी लियोनी में हीरोइन मटेरियल देखा mm. जब भी मैंने एक छोटा सा फोटो देखा इंडिया टूडे तो माई थो फेस आई थे दिस वूमन कैन फिल अ स्क्रीन और क्या है सिद्धार्थ नो ऑफेंस बट इंस्टाग्राम रील्स वीडियोज और तीन घंटे की फिल्म जमीन आसमान का फ़र्क है दोनों में फॉर्मेट में फ़र्क है टू होल्ड समबड़ीज़ इंटरेस्ट एंड कीप समबड़ी

ऑन यू और आपके पिताजी पर एंड हाउ उन्होंने कहा कि ने आपको बहुत फेवर किया है अच्छा अभिषेक कहता है ये अभिषेक के बारे में तो सब लोग को लगा कि अभिषेक को बहुत फेवर किया जा रहा है और अगर अभिषेक और उसके भाई को मैं एक तो जानती नहीं हूँ और अगर उनको लगता है कि मेकर्स ने मुझे फेवर किया है तो वो मेकर से बात करें मैं क्यों रिएक्ट करूँगी देखिए अभिषेक की एक खासियत है कि वो आपको बहुत प्यार देता है वन ऑन वन बट आई थिंक जब भी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या जब भी पांच लोग इकट्ठा होते हैं और जब भी फिर बोलने की बात आती है सडनली ही टेंस टू समाइम्स ड्रामेटाइज वॉट ही सेग तो अभिषेक को मैं डिस्काउंट कर लेती हूँ उसका प्रिवेज है उसको जो कहना है मेरे बारे में या मेरे पिताजी के बारे में उसका प्रिवेज है वही अभिषेक लास्ट uh, दो तीन दिन में मेरे साथ लॉन पे बैठ के उसने मुझे थैंक यू कहा कि अगर आप इस घर में नहीं होते तो शायद ये माहौल ऐसा नहीं रहता उन्होंने मुझे कहा कि आपका और जो है बहुत स्ट्रांग है और मैं भी चाहूँगा और मैं आपको ज़मान देता हूँ कि एक दिन आल ग्रो ओल्डर मेरा भी एक ऐसा और होगा उसने ये भी कहा मुझे और सेपरेटली एलविश और मनीषा को कि बाकी पेरेंट्स आए थे बहुत अच्छे थे मगर जब ये महेश भट्ट आया था घर में ही चेंज द एयर आपके बाद मैंने महेश भट्ट को देखा है जिसका एक और है एक परसोना है तो प्राइवेटली तो अभिषेक ने मुझे ये सब कहा है तो मैं ये सब चीज़ याद रखूं या कोई इमेजनरी वीडियो जो मैंने देखा नहीं है hmm. तो इफ़ यू चेंजड हिज माइंड और अगर वो वीडियोज़ में कुछ और कह रहा है तो फिर आप अभिषेक को पूछ, पूछो पूछे कि वाई हैव यू चेंज योर माइंड वाई हैव यू सडनली सर्ट सिंग एल्स मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती हूँ सिद्धार्थ अगर वो आज एक चीज़ कहते हैं और कल कुछ और तो वो जाने उनका प्लेटफॉर्म है उनके शब्द हैं डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो बाय ऑल मीन्स से व्हाट यू हैव टू से आपके कहने से कुछ बदलता नहीं है ना इवेंचुअली जब भी आप मुझे सवाल पूछेंगे आपका सवाल जो है आपको रिवील करता है मुझे नहीं तो अगर मेरे बारे में अभिषेक कुछ कहेगा या कोई और कुछ कहेगा व्हाट दे देम मोर देन पर्सन आर दे टॉकिंग अबाउट इनफैक्ट एलविश ने महेश जी को ट्रोल किया था ना इन अर्लियर वीडियोस पर जब वो महेश जी से मिले थे फेस टू फेस जी उनका पूरा परसेप्शन और बिहेवियर चेंज हो गया था जी बिकॉज़ आई बिलीव वेरी स्ट्रॉन्गली कि ये हमारे साथ कितने बार हुआ है जब भी हम ये इंडस्ट्री में हम आप एक हिस्सा हैं इस, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं भी हूं कि हम लोगों को जब भी मिलते हैं वी फील यार यार ये जो इंप्रेशन आपके बारे में था कुछ और है क्टर कुछ और सुपर स्टार आए थे, है, है, थे. <laughs> <फार> <laughs> मुझे समझ नहीं आया फिर यार, यार. <laughs> तो ये ha? होता है ha? तक आप किसी के साथ बैठ के वन ऑन वन बात ना करें ना तो आप इम्प्रेशन फॉर्म मत कीजिए उनके बारे में इनफैक्ट एलविश ने ये मुझे कहा था कि जब मैं घर में आया था मुझे लगा कि मेरी और आपकी नहीं बनेगी बट आई वॉज़ रॉन्ग एंड इनफैक्ट ने नेवर ओनली मी उन्होंने सिर्फ पर्सनली मुझे नहीं कही एक टास्क भी था जब आई थिंक कुछ दो चेहरे कुछ डालना था तो ही उन्होंने खुलेआम ये कहा था आई थिंक कि उसकी ये बड़प्पन है

सो so, पहला वाला हैड पूजा भट्ट डेब्यू टुडे वुड शी फॉलो द सेम करियर पाथ शायद मैं और काम करती ऐसा क्या एक्साइटिंग hmm. टाइम्स ना एक्साइटिंग टाइम्स एंड आई थिंक कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूं व्हाट डू आई रिग्रेट मैं ज्यादा रिग्रेट करती हूं जो मैंने नहीं किया जो मैंने किया वो रिग्रेट नहीं करती हूं तो आई थिंक आई वुड हैव डन मोर तो शायद इस टाइम पे मैं और करती आशिकी जो आपने छोड़ी जी सपोजिटली फॉर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड रिग्रेट करते हो uh, हाँ हाँ वो गाने मेरे होते तो uh, uh, वो मैं रिग्रेट करती हूँ मगर आई थिंक कि अगर मैंने नहीं रिफ्यूज uh, 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 की होती वो फिल्म फिर मैं दिल के माता नहीं कि एक्सपीरियंस को इतना अप्रिशिएट uh. नहीं करती कि जब सो दैट्स व्हाट इट कम्स डाउन टू कि आप कुछ खोएंगे फिर आप जाके कुछ पाते हैं वरना वो फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट हो जाती तो डैडी के बाद में वो ब्रेक लेना बहुत जरूरी था के सेट पे जाके वो माहौल को देखना बहुत जरूरी था कि यार मैंने क्यों ना कह दिया मुझे ये सेट का माहौल इतना पसंद है यू नो आई वॉन्ट बी अ वर्किंग एक्टर एंड देन आई अ गुड चॉइस फॉर है कि मानता नहीं wow. okay.

तो उस टाइम पे मेरे ऑफिस ने कांटेक्ट किया उनके मैनेजर को इन अमेरिका जिन्होंने मुझे कहा कि वी शीज जस्ट साइंड अप विथ पेंट हाउस एंड वो नहीं हो सकता है hmm. अभी बिकॉज उसका एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है hmm. तो हम भूल गए देन ऑफ़ कोर्स आई टू बिपाशा नो रिग्रेट बिपाशा वाज स्टनिंग इन द फिल्म तो बिपाशा और जॉन की केमिस्ट्री भी वाज इलेक्ट्रिक तो नो रिग्रेट्स एट ऑल तो जब दो में हम लोग फिर बना रहे थे जिस इम पार्ट टू वो टू थाउजेंड ट्व सॉरी आई नोथ रिमेबर याद भी नहीं है दो हज़ार दो में पार्ट वन बनाई थी हमने एंड आई थिंकू या 2012, करेक्ट तब uh, ये डिस्कशन चल रहा था कि किसको को लें मलिका शरावत को बिपाशा को फिर से लें किसी नई लड़की को साइन करे तब मैंने सोचा है सर यार why डोंट we contact सनी लियोन तो मैंने डीनो मौरिया मेरा पार्टनर था तो मैंने डीनो मौर्या को फोन किया मैंने बोला डीनो मौरिया आपने सनी लियोनी का नाम सुना है तो उन्होंने कहा ना मैंने बोला झूठे कहीं के अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम मगर जरा ए, आ, इंटरनेट पे जाइए प्लीज़ गो लॉग ऑन एंड गूगल करो उनको और डोंट बी शॉक्ड तो उन्होंने जाके गूगल किया उनको उनका फ़ोन आया पूजा शी इज़ वेरी प्रिटी शी इज़ ब्यूटिफुल बट द बिग क्वेश्चन हाउ कैन वी कास्ट समी जो एक अडल्ट एंटरटेनर है मैंने बोला ठीक है यार, no उसके बाद में दो हफ्ते बाद में शी वॉज इन द बिग बॉस हाउस तो फिर मैंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और मैंने कहा कि अगर बिग बॉस के घर में जा सकती है हमारे टीवी सेट्स पे आ सकती है हर किसी के घर में आ रही है वो देन फिल्म में क्यों नहीं एंड देन उस टाइम पे राज नायक थे कलर्स के साथ में hmm. तो हमने राज जी को फ़ोन किया ही वॉज अ फैमिली फ्रेंड ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड एंड वी सेड यू नो वी आर कीन ऑन कास्टिंग तो राज जी ने बोला कि ठीक है वुड वन ऑफ यू बी इंटरेस्टेड इन गोइंग द हाउस तो मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगी मैंने बोला भट्ट को आप जाइए क्योंकि वो पांच मिनट में गेज कर पाते हैं अगर किसी के अंदर वो बात है या नहीं है he went in, he met her, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एक फिल्म बना रही है। She said, I'm interested, and the rest is history. तो बिग बॉस के घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है बिफोर गोइंग इन टू दैट हाउस इट गिवन मीट मीसिली

मे बी शी स्टिल्फलो न्यूट्रल आई मैन फर्क नहीं पड़ा कि आकांक्षा के होने या ना होने से आई डोंट थिंक कि बिग बॉस के घर को इतना इम्पैक्ट हुआ मनीषा लाइक आई सेड मैं हमेशा मनीषा के साथ uh, उसी मनीषा के साथ कनेक्ट करूँगी जो सुबह सुबह उठती थी द लिटिल गर्ल जिसके बाल में तेल और फिर वो जाती थी अपने वॉश बेसिन के सामने एंड शी वुड बी ब्रशिंग हर टीथ और जब भी म्यूजिक बजता था शी वुड स्टिल डू हर ट्विंग ट्विंग लिटिल स्टेप आई वुड रादर होल्ड ऑन टू दैट मनीषा क्योंकि मैं, मैंने मनीषा के अंदर एक इनोसेंस मासूमियत एक औरजनालिटी uh, शुरुआत में देखी उसके बाद में चेंजेस काफ़ी आए आई अंडरस्टैंड कि जब यह गेम और गहरा होता है लोग को लगता है कि हमको अभी कुछ और करना है या गेम ऐसा खेलना है आई डेंट रिलेट टू दैट मनीषा बट दैट ओरिजिनल मनीषा जो छोटी सी मासूम मनीषा है मैं हमेशा उसे uh, याद रखूंगी एंड आई विश ह वेरी बेस्ट बट आई वुड स्टिल टेल हर की बात ज़्यादा सुनो uh, कम बोलो और अपने दिल को ज़्यादा इस्तेमाल करो दिमाग को नहीं अभिषेक मल्हान स्वीट बॉय बट आई थिंक अगेन हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ

विटी और आई थिंक के कैपेसिटी टू चेंज हिज माइंड जो इवॉल्ड इंसान है ना वही कह सकता है कि नहीं मैंने ये सोचा था मगर अभी मैं ये सोचता हूँ और आप पहले मुझे पसंद थे अभी पसंद नहीं हो या पहले नहीं पसंद थे अभी हो तो आई थिंक हैज कैपेसिटी अपने आप को रिव्यू करना सबकी बस की बात नहीं होती है एलविश के अंदर ये कैपेसिटी है कि अपने खुद के बिहेवियर को रिव्यू करना और वो सब कुछ नोटिस करता है मगर सेंसिटिव है बिकॉज आई फील के ही टचड लॉस इन लाइफ और आई थिंक अभिषेक और एलविश में शायद वो ही फ़र्क होगा कि शायद अभिषेक हैज़ नॉट लॉस्ड समथिंग वेरी क्लोज टू हिम आई थिंक दैट विल ओपन हिम अप मोर बट इज़ अभिषेक अ बैड बॉय नॉट एट ऑल इज़ अ स्वीट किड बट आई वुड से स्वीट किड एलविश अभिषेक से उम्र में भी यंगर है ट्वेंटी फोर मगर एलविश ज़्यादा मच्योर है उसका दिल बड़ा है और आपने मेरा शो देखा स्पोर्ट्स एक्स नाइन प्रेजेंट द सिद्धार्थ करो विजिट द वेबसाइट क्रिएट योर आई डी विथ सेल्फ डिपॉजिट एंड विद्रॉल्स एंड स्टार्ट प्लेइंग द गेम इमीजिएटली अगली बार फिर मिलेंगे बाय